ख़ीन हजरत जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से एग्जिट किया है तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मुख्तलफ मिले हैं जिसमें एक छोटी सी तालिबान फोर्स ने किस तरह एक बहुत स्ट्रॉग अफगान आर्मी जो कि अमेरिका ने बनाई थी 20 साल में उसको शिकस्त दी और किस तरह करोड़ हर डॉलर्स लगा के अमेरिका बीस साल बाद अफगानिस्तान में शिकस्त खा के चला गया और कि अब ख़ते में या अफगानिस्तान में उसकी क्या इम्प्लीकेशन्स हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा कंसर्न है कि उसकी पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशनस होंगी इज़ इट अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान और और इज़ इट अ लॉस फॉर अस एंड वॉट विल हैपन तो मैं अपना एक छोटा सा एनालिसिस इन इन सब बातों पर आपको दे देता हूँ बट बिफोर वी गो देयर मैं थोड़ा सा Uh, जो मेरा पिछला वीडियो था कि जिसमें मैं कह रहा था कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ये इस तरह के वीडियोस बनाती हैं नामनासिब किस्म के लोगों को उनको ब्लैकमेल करने के लिए और एक्चुअली वो प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री रोकती हैं तो उस पर जो कुछ लोगों के कमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा मैं एड्रेस कर रहा लूँ उसमें दो किस्म के कमेंट्स हैं एक तो ये कमेंट्स हैं कि जनाब आम लोग जो हैं वो भी तो पार्टियाँ करते हैं और उन पार्टियों में बहुत बहुत हरकतें होती हैं तो अगर इंटेलिजेंस वाले करते हैं तो क्या बुरी बात है और फिर ये कि जी अगर इंटेलिजेंस वाले पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ ये बनाते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है वो उनको कंट्रोल में रखते हैं और ये वो पहली तो बात यह है कि ये बड़ी अभी तक कोई ऐसा वीडियो आया नहीं कि जी जो किसी पोलिटिकल पार्टी ने बनाया हो तो जब तक ऐसे क्योंकि ज़हरा अपने खिलाफ वो वीडियोज़ क्यों बनाएंगे सो so, जब तक ऐसा कोई वीडियो आता नहीं इट्स प्योरली कंजेक्चर एंड सो बट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज बनाती हैं वो तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हैंड मुझे पता है तो उस पर वो नहीं हो सकती और लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन तो बिल्कुल ही गलत है आप आम आदमी को ताकतवर आदमी से या जिसको सोसाइटी ने या कानून ने इख्तियार दिया है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते ये तो वो वाली बात है कि कस्टम वाला ये कहना शुरू कर दे कि सब स्मगलर लोग बहुत से लोग स्मगलिंग करते हैं तो मैं भी स्मगलिंग करूँगा दोनों में फ़र्क है एक का काम मुल्क का कानून वो वायलेट कर सकता है और एक का काम मुल्क का कानून वायलेट नहीं करना बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना है अब आप एक तरफ वेस्ट देखें और वेस्ट में इस वक्त ये सूरत हाल है कि ऑलमोस्ट पचासी परसेंट लोगों को कोई इतराज़ नहीं बगैर निकाह के कपल्स को एक दूसरे के साथ रहने में इसमें ऑलमोस्ट सत्तर परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको कोई त्राज़ नहीं है कि जी अगर दो लोग आपस में रह रहे हैं जिनका शादी नहीं है इसमें से 16 परसेंट ऐसे हैं फिर जो जिनका ख्याल है कि अगर फ्यूचर में शादी करनी है तो आप रह सकते हैं सो वाइडली एक्सेप्टेड है आम लोगों के लिए टू लिव टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड जो थोड़े बहुत लोग शादी कर लेते हैं उसमें डाइवोस रेट्स दुनिया में इंक्रीजिंगली ऊपर जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक किस तरह का ट्रेंड है इस पर हम समवेयर इन द फ्यूचर आई लाइक टू गो इन टू डिटेल ऑफ दिस कि वट इज़ द फ्यूचर ऑफ मैरिज इन दिस वर्ल्ड एंड एंड वाई इज़ इट हैपनिंग मतलब लोग इतने आराम से एक दूसरे को तलाक़ दे कैसे सकते हैं क्या उनके फिर फाइनेंशियल क्या इशूज़ होते हैं क्या सोसाइटी में आ औरत को जहरा फिर इतनी सिक्योरिटी होगी ना कि वो विदाउट मैरिज एग्जिस्ट कर सकती होगी जो शादियाँ नहीं करते तो सो बट बट दैट्स फॉर डिफरेंट डिबेट सो एक सोसाइटी जो कि इतनी लिबरल है कि वो बगैर निकाह के एक दूसरे के साथ रहते हैं वो इतने लिबरल हैं कि वो वो उनमें डेबोस रेट्स बहुत हाई हैं और वो इतने लिबरल हैं कि सोसाइटी में बगैर शादी के बच्चे बच्चों का परसेंटेज जो है वो कितना है देख सकते हैं इतनी लिबरल सोसाइटी है लेकिन जब बात आम आदमी इतना लिबरल है लेकिन जब बात उनकी लीडरशिप की आती है जब बात उस सोसाइटी के ताकतवर लोगों की आती है प्रिवलिज लोगों की आती है तो उनके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल मुख्तलफ हैं वो पावरफुल ऑफिस में बैठे हुए लोगों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते उन स्टैंडर्ड्स पर भी नहीं करते जो वो खुद करते तो हम अपने स्टैंडर्ड्स देखें और फिर हमारे स्टैंडर्ड्स जो ताकतवर लोगों की तरफ हैं उनकी तरफ़ देखें तो मतलब मुझे सीरियसली उस पर शर्म आई चाहे नेब नैब का इशू आपके सामने है हमारे जनरल्स के बारे में कई दफ़ा ऐसे स्कैंडल्स आए हैं जनरल रानी तो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता आप सब समझदार हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कमज़ोर आदमी की तरफ तो हम सारा कानून और सारी मोरालिटी लगाने की कोशिश करते हैं और ताकतवर आदमी को किसी तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं उस, उसकी बात गलत जो कि जिसको आप खूनी लिबरल अपने मुंह से कहते हैं और कम एथिकल कहते हैं या कम मोरालिटी उनकी कहते हैं उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स आपने प्रेजिडेंट क्लिंटन के हवाले से देखे हैं उन्होंने अपना कोई जनरल जिसके बारे में हल्का सा ये हुआ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या कोई उन्होंने सो so, उन्होंने उनको माफ़ नहीं किया ऐसे ऐसे जो रिटायर हो गए उन्हें उन्हें रिटायरमेंट के बाद डिमोट किया एंड राइट अप टू जर्नैल से उठा कर सेकेंड लेफ्टिनेट बना दिया और कंपनीज के सीईओ लॉकिड मार्टिन बेस्ट बाय सो आप जितना पावरफुल आदमी है उतनी ज्यादा वो जिम्मेदार है और सोसाइटी उतनी ज्यादा उसको कहती है कि दे हैव टू लिव बाय हायर स्टैंडर्ड सो हम हमारी वही हालत है अनफॉर्चुनेटली कि जो बड़ी गाड़ी में जा रहा है उसको तो जैसे हमारा पुलिस वाला सलूट मारता है और जो बेचारा छोटा सा मोटरसाइकिल पे आ जाए तो उसकी टंकी भी बजा के देखते हैं कि इसमें क्या है सो आई थिंक एज अ सोसाइटी एज अ कल्चर हमारी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल सिटिंग इन पावरफुल ऑफिसज उनकी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आम आदमी की तो कोई कोई भी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं और ये तो शायद एक तरह से रिलीजस बात भी है कि जितना ज़्यादा आपको दिया गया है उतना ही ज़्यादा आपसे हिसाब भी होगा अब आते हैं जी अफग़ानिस्तान की तरफ अफ़ग़ानिस्तान में मेरी थाट समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देना चाहूँगा सोशोलॉजी में पढ़ता था कि एक होता है मटीरियल कल्चर और एक होता है नॉन मटीरियल कल्चर मटीरियल कल्चर अगर आप क्रिकेट का खेल की फ़र्ज करें हम बात करें तो मटीरियल कल्चर उसमें बैट है मटीरियल कल्चर उसमें हेलमेट है उसमें बैट्स हैं ग्लव्स हैं गेंद है विकेट्स हैं ग्राउंड है और जो उसका नॉन मटीरियल कल्चर है वो स्किल ऑफ द गेम है शॉट कैसे मारते हैं गेंद कैसे कराते हैं उसके रूल्स क्या हैं तो अब इन दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है क्या बैट और विकेट्स और और ग्राउंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या उसका नॉन मटेरियल कल्चर जो सोच है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो स्किल ऑफ द गेम है जो उसके रूल्स हैं जो उसका ट्रेडिशन है जो उसकी हिस्ट्री है वो ज़्यादा इम्पॉटेंट है मेरी नाचीज राय में हमेशा फ़िज़िकल चीज़ों से नॉन फिज़िकल चीज़ें जो उसकी पीछे सोच है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है क्योंकि आज क्रिकेट के गेम में आपके के तमाम अगर आज, आज आपको गेम आती है थॉट आती है तो आप बैट नहीं बना लेंगे आप विकेट्स नहीं बना लेंगे आप पिच नहीं बना लेंगे उसका साइज़ कितना होगा आपको ऑलरेडी पता है और आप नए सिरे से गेम शुरू कर देंगे लेकिन अगर आपके पास सारे चीज़ें हैं और आपको पता नहीं है कि इसका करना क्या है तो वो फिर आपने अक्सर वो तस्वीर देखी होगी वो जो बंदर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो यू नो सो जो जो जिस 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 सोसाइटी का नॉन मटेरियल कल्चर गाड़ी बनाने वाला नहीं है वो कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंचेगी जो गाड़ियाँ बनाने वाला कल्चर सो so, आपका नॉन मटेरियल कल्चर आपके मटेरियल कल्चर को क्रिएट करता है आपको मटेरियल चीज़ें देने से आप इम्प्रूव नहीं करते और आ, सो सो ये एक बात है और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के फ़र्ज़ करें हम तमाम लोगों को उठाते हैं और उठा के इस वक्त जाके यू में रख देते और यू के तमाम लोगों को उठाते हैं और ला के पाकिस्तान में रख देते हैं तो क्या होगा क्या आ, हम यू के बहुत तेज़ी से आगे तरक्की कर जाएगा या 20 साल में यू पाकिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान यू हो जाएगा मेरा ख्याल जवाब आपको पता है ये सवाल पूछने का मकसद ये है कि जो ममालिक होते हैं जो कौमें होती हैं जो उनका थाट और जो उनका तरीक़ार जो और जो उनका नॉन मटीरियल कल्चर होता है वही बेसिकली मुल्क होता है मुल्क जो होते हैं वो दरिया पहाड़ दरख्त नहीं होते वो उसकी आवाम होती है और आवाम की फिर पीछे सोच होती है। जो नॉन मटीरियल कल्चर है जो उनकी वैल्यूज़ हैं जो उन उस सोसाइटी में इनिशिएटिव है जिसको वो प्रेफरेंस और प्रायोरिटी देते हैं सो नॉन मटेरियल कल्चर ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन द मटेरियल कल्चर इसका मैं जो अक्सर अपने बच्चों से बात करते हुए बात करता हूँ वो ये है कि आ, हमारे पास फिज़िकली पर नहीं है उड़ने के लिए लेकिन इंसान हम किसी भी परिंदे से ज़्यादा बेहतर उड़ते हैं ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं ज़्यादा तेज़ उड़ते हैं उसकी वजह यह है कि हमारा नॉन मटेरियल कल्चर ने हमारा वो मटेरियल कल्चर बनाया सो एक तो ये ये सोच अपने पास रखिए। तो हम आएंगे कि अफगानिस्तान का नॉन मटेरियल कल्चर क्या है अब दूसरी सोच जी जो कि इस इस बात से कनेक्टेड है वो ये है कि अराउंड फोटीन हंड्रेड्स में एक यूरोप में एक साहब होते थे जिनका नाम था निकोलो मैकेवली। मैकेवली साहब ने एक किताब लिखी जो बड़ी मशहूर है उसका नाम है द प्रिंस द प्रिंस में मैकेबली साहब एक बात लिखते हैं कि जी दो किस्म की प्रिंसिपैलिटीज होती हैं एक प्रिंसिपैलिटी वो होती है जिसमें एक बहुत स्ट्रॉग सेंट्रल अथॉरिटी होती है बादशाहत है पुलिस है अदालतें हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेंटिव है सोसाइटी मतलब ये वो वाली सोसाइटी है जो कि कारें बनाती है और इनकी एक फिर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी है और फिर टेक्नोलॉजी है और 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 सब कुछ अब ये कहता जी इस प्रिंसिपैलिटी को आपको फतह करना मुश्किल होगा अगर इस पे आप हमला करते हैं तो क्योंकि उनका एक बड़ा स्ट्रक्चर है और वो बड़े ऑर्गेनाइज हैं और उनकी एक स्ट्रांग सेंट्रल आर्मी है जब आप बाहर से इन पर हमला करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपके साथ लड़ेंगे और इनको आर्मी को तोड़ना और ये करना और इस मुल्क पे कब्जा करना इतना आसान काम नहीं होगा लेकिन वो कहता है कि इस किस्म की प्रिंसिपैलिटी पे जिसमें एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद हैं फेडरल हैं और एक मतलब पूरा एक हायर्कल स्ट्रक्चर है इस पे अगर एक दफ़ा आपने कब्जा कर लिया तो फिर इसको रूल करना कोई मुश्किल काम नहीं है वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को आदत है कवानीन को फॉलो करने की इनमें वो डिसिप्लिन है हम सड़क के इस तरफ चलेंगे हम इस तरफ नहीं चलेंगे ये हम करेंगे ये सो so, चूँकि वो एक फेडरल अथॉरिटी मानने के आदि हैं तो जब आपने उनकी फेडरल अथॉरिटी एक दफ़ा हटा के उसकी जगह आप खुद आ गए तो ये सारी आवाम जैसे पहले चल रही थी उसी तरह ये आपके साथ चलना शुरू हो जाएगी बिकॉज दे आर यूज टू अ सेंट्रल स्ट्रक्चर अर्लियर मैकेबली साहब कहते हैं कि जी दूसरी जो पर्सन प्रंसिपैलिटी होती है वो ये है कि जी एक मुल्क है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर ही नहीं है ना उसका कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें कोई पुलिसिंग का कोई बहुत इफेक्टिव सिस्टम है ना कोई जस्टिस का इफेक्टिव सिस्टम है अदालतें हैं ना कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी है कंट्री लाइक अफगानिस्तान वो कहते हैं कि जी इस मुल्क में अगर आप बाहर से इस पर हमला करते हैं तो इसको कांकर करना कोई मसला ही नहीं है क्योंकि आगे से आपको रेजिस्टेंस ही कोई ऑर्गेनाइज कोई तरीकेकार नहीं है आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी और आप फौरन आएंगे और आप इस पर कब्जा कर लेंगे लेकिन जब आपने इस पर कब्जा कर लिया सबसे तो पहली बात यह है कि आपने कब्जा किस चीज़ पर किया देयर इज़ हार्डली ये नहीं थे दर इज़ नो इंफ्रास्ट्रक्चर दर इज नो इंडस्ट्री दर इज़ नो स्ट्रॉग वेल्थ और uh, या लोगों में कोई ह्यूमन रिसोर्स कोई इस लेवल की एक्चुअली तो कुछ भी नहीं है सो so, आपने किस चीज़ पे हमला किया और किस चीज़ पे कब्ज़ा कर लिया बहरअल वो तो एक अलग बात है लेकिन ऐसे ममालिक को फतह करना या इन पर कब्जा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी वो इन पर फ़ौर कब्जा कर लेगी लेकिन जब आपने इन पर कब्जा कर लिया तो फिर इसको रन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कभी स्ट्रक्चर ही नहीं था किसी भी चीज का सो so, जिन लोगों को आदत नहीं है किसी भी रूल को फॉलो करने की या तरीके कार पे चलने की वो छोटे छोड़ छोटे अपने ट्राइबल्स हैं या अपनी अपनी फैमिलीज हैं या अपना अपना वो है फिर वो उसने फसलों में काम करता है फिर बंदूक भी है फिर उसे ख्याल आया कि यार ओ हो हम पे तो कब्ज़ा हो गया उसने कोई आज दो चार गोलियाँ हमारी फायर किया फिर वो आवाम में मिक्स हो गया क्योंकि एक स्ट्रॉग यूनिफॉर्म्ड सेंट्रल आर्मी तो है नहीं जिससे आप लड़ोगे तो आ, आप जब किसी अगर उस बंदे को ठीक को भी मारोगे तो वो सिविलियन हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं लड़ किससे रहा सो so, सो so, दो टाइप की प्रिंसिपैलिटीज अकॉर्डिंग टू माइ वन विद स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी वेरी डिफिकल्ट इनिशियली उसको पकड़ना लेकिन एक दफ़ा आपने पकड़ लिया तो फिर वो यू नो वेरी ईजी टू गवर्न एंड दूसरी विद नो स्ट्रॉन्ग फेडरल अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी और स्ट्रक्चर फॉर एनी फॉर फॉर देट मैटर जिस पर आपने बाहर से हमला किया आपने फ़ौरन उसे कब्जा कर लिया और उसके बाद आपने फिर अब उसको गवर्न कैसे करना है वो एक नाइटमेयर है क्योंकि उसको कोई भी गवर्न नहीं कर सकता था आपसे पहले वाला भी गवर्न नहीं कर सकता था सो so ये तो एक दूसरी थाट अब क्या अफ़गानिस्तान ये दूसरी किस्म की प्रिंसिपैलिटी है तो मेरा ख़्याल है कि जवाब तो आपको पता है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी इसको मज़ीद वाज़ कर देता हूँ आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में जी स्मगलिंग बड़ी होती है स्मगलिंग बड़ी होती है और वो कैसे होती है जी अफगान ट्रांज़िट ट्रेड के थ्रू होती है अभी अफगान ट्रांज़िट ट्रेड क्या है अफगान ट्रांज़िट ट्रेड में होता यह है कि वो जो कि लैंड लॉकड हैं जिनका अपना समंदर नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अफगानिस्तान उनको उनके नेबर ने रास्ता देना है अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ताकि वो सी के थ्रू इम्पोट एक्सपोर्ट कर सकें अब पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत इनको ये रास्ता देता है वो सामान मैंने तो अपनी आंखों से देखा है बहुत से लोगों ने आप में भी देखा होगा वो सामान सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ जाता है और चमन में वेश मंडी है वेश मंडी पर टर्न होकर वो वापस आ जाता है और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जैसे मैंने पहले भी गोश गुजार किए वो वापस आना शुरू हो जाता है और बस दैट्स एट सो आपको अफगान ट्रांज़िट ट्रेड में स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है अब मसला ये है कि आपने कभी ऑस्ट्रियन ट्रांज़िट ट्रेड में स्मगलिंग सुनी है आपने कभी स्विस ट्रांज़िट ट्रेड में स्मगलिंग सुनी है दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान तो लैंड लॉकड नहीं है ना दुनिया में चवालीस ममालिक हैं जो कि लैंड लॉकड कंट्रीज़ हैं उन सब की अपने नेबर्स के साथ ट्रांज़िट ट्रेड एग्रीमेंट्स लेकिन वहाँ पे कहीं पे स्मगलिंग नहीं होती पाकिस्तान में ट्रांज़िट ट्रेड पे हमेशा स्मगलिंग होती है तो इसकी वजह क्या है और मैं हमेशा से उस वक़्त से कहता था कि भाईजान हम अफगान्स को वो अथॉरिटी दे देते हैं कि कराची ही के पोर्ट पे जब आपके लिए सामान आए जिसने अफ़गानिस्तान जाना हो हम आपको यहीं पे ऑफिस बना देते हैं हम आपको इनिशियली ट्रेन करके आपकी मदद कर देते हैं आप यहीं पे कंटेनर खोल लो इस पर जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस बन बनती हैं आप कलेक्ट कर लो आप अपने ख़ज़ाने के लिए अफगानी भाई कलेक्ट कर लें और फिर ये कंटेनर अफगानिस्तान चला जाए अब चूंकि इस पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पेड हैं तो ये मंडी पर जाके वापस नहीं आएगा बहुत आसान है हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और अफगान हुकूमत को जो टैक्स चूँकि वो गुड्स वहीं से मुड़ के वापस आ जाती हैं तो जो आपको टैक्स नहीं मिल रहा जो आपके खजानों में नहीं जा रहा आपको भी फायदा है हमें भी फायदा है सो बाकी ममालिक में जहाँ पर भी ट्रांजिट ट्रेड्स हैं वहाँ पर स्मगलिंग इसलिए नहीं होती कि कार्गो गुड्स सीमलेसली एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को हैंड ओवर होती है। सो वो चूंकि अनब्रोकन चेन है तो जब दूसरी गवर्नमेंट के पास वो चीज आ जाती है तो फिर वहाँ से वो वापस नहीं आ सकती <coughs> वेश मंडी होता क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट हम उन कंटेनरों को ट्रकों में डाल के बड़े तरद से अपने कानून के तहत बॉर्डर पे ला के आपके हवाले कर देते हैं किसके हवाले कर देते हैं देर वॉज नेवर गवर्नमेंट तो वो मॉब के हम हवाले कर देते हैं वो मॉब से वहाँ से घूम के कंटेनर जो कि सारे बीच में मिले हुए हैं वो वहाँ से घूम के वापस आ जाता है पाकिस्तान हैज़ अ प्रॉब्लम एंड यू हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट गेट एनी रेवेन्यू एंड यू कॉन्ट डिवेलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर कंट्री वो कहने को वहाँ पर आपने पता नहीं उसको क्या कहते हैं एक बंदा होता है क्या तजार जिसका काम थ्योरेटिकली ये है कि उसने अपने रजिस्टर में कस्टम की तरह सब कुछ लिखना है और उस पर ड्यूटीज़ कैलकुलेट करनी है लेकिन वो ऐसा है कि उसकी सब के साथ डील होती है और आपने पिछले दिनों अभी सुना भी होगा जब अफगानिस्तान से अमेरिका गया है तो वो तालिबान ने जो एक जगह पे छापा मारा जाहिर है क्योंकि तालिबान को पता था तो वहाँ से उनको करोड़ करोड़ा डॉलर और पाक रुपीज़ और फलाना फलाना मिले आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर वो वही अखबार अखबारत तजार पता नहीं उसको क्या कहते हैं उनका एक रैंक है वो उसके दफ्तर में होगा क्योंकि वो सारा पैसा पकड़ता है अपने लिए पकड़ता है उसको ट्राइबल लॉयल्टीज़ की वजह से यह जो उसका मतलब ग्रोह है जो अपनी ज़ात के लिए अपनी करप्शन के लिए जो पैसे कमाते हैं वो वो रखते हैं उनका कोई कलेक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था टैक्सेशन का जो था वो मतलब हार्डली एक स्मॉल परसेंटेज वहाँ चली गई अपने खजानों में या टैक्सेस के थ्रू ट्रेड पे बाकी तो वो सब खा पी जाते हैं और वो उनके अपने पर्सनल पैसे लार्ज अमाउंट ऑफ करप्शन सो प्रैक्टिकली देर इज़ नो गवर्नमेंट एट दी अदर एंड देर नेवर वॉज अ गवर्नमेंट एट दी अदर एंड देर नेवर वॉज अ स्ट्रक्चर और फिर हमारे लोग भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि अगर अफगान ट्रांसिट ट्रेड में स्मगलिंग बंद हो जाएगी तो जब आपके बॉर्डर पर लोग स्मगलिंग करवाते हैं उनके भी को भी नुकसान है मुल्क को तो फायदा है लेकिन लोगों को नुकसान है सो so, जो नॉन मटीरियल कल्चर है वो कल्चर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए है वो कम्युनिटी के लिए नहीं है उसकी सोच एक फेडरल लेवल का मुल्क बनाना या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या एक दूसरे को सपोर्ट करना नहीं है वो ज़ात बरदरी